पर्व है यह दीपावली और दशहरा के बीच मनाया जाता है। भगवान श्री राम जब प्रयागराज आए थे तो प्रयागराज की महिलाओं ने ढेरिया से उनकी नज़र उतारी थी, तब से यह प्रथा चली आ रही है और हम सब इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यह पर्व मनाना। और हम चाहते हैं यह संस्कृति हमेशा के लिए बनी रहे और लोग अपने घरों में अपने परिवार और अपने भाई बहनों की नज़र इसी तरह उतारते रहें और यह पर्व इसी तरह चलता रहे। आज बहुत ही पावन दिन है, आज के दिन ढेरिया का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जो है भगवान श्री राम से संबंध रखता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट रहे थे तो प्रयाग की पावन धरती पर आए थे और प्रयाग की स्त्रियों ने उनका स्वागत किया था और कुछ स्त्रियों को संदेह हुआ कि कहीं उनके पीछे शनिदेव ना गए हों, तो मिट्टी के छिद्रदार हांडी में दिए रख करके नज़र उतारी थी। तब से यह पर्व दीपावली और दशहरे के बीच में मनाया जाता है, जिसे हम ढेरिया के नाम से जानते हैं। और इस पर्व को जो है हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा रूप दिया है लोक नृत्य के माध्यम से, जिसे पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने इसके लिए एक गीत लिखा है और मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बड़े भाग्य से आए श्री राम प्रयाग में उतारे ढेरिया, बड़े भाग्य से आए श्री राम प्रयाग में उतारे ढेरिया, जुग जुग जिए सियावर राम की नजर उतारे ढेरिया, जुग जुग जिए सियावर राम की नजर उतारे ढेरिया। इस पौराणिक पर्व को जो है लोक नृत्य के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी है इस खूबसूरत लोक नृत्य को देख करके हमारे जो पुराने जो कल्चर थे, जो हमारी प्रथा थी ईश्वर की भक्ति या पूजा या हमारी जो लोक संस्कृति को जीवित रखने का जो हमारे कार्य है, हम चाहते हैं कि देश विदेश में भी लोग इसे जान सकें। और लोक नृत्य में इसलिए इसे ढाला गया है ताकि बहुत खूबसूरत लगता है ये लोक नृत्य। और आज की युवा पीढ़ी जो है पॉप की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो लोक संगीत से फिर से जुड़े और हम चाहते हैं कि भारत के हर राज्य में इस पर्व को मनाया जाए।